नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम बना रहे हैं दिखाने के लिए कि HD501 जो डिवाइस है इनेजिक लेवलुक HD501 उसका डीप क्लीनिंग कैसे होता है। तो एक हमने ई क्लीनिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और ये हम बना रहे हैं डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग भी ई क्लीनिंग की तरह बहुत ही आसान है, तो आइए समझते हैं कि क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो वही है कि आपको जो ये प्लग है वो प्लग को निकाल देना है। यहाँ पे जैसे मेरा प्लग लगता है तो ये प्लग को निकाल देना है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ है यहाँ पर जो हमारे प्री फिल्टर होता है इनेजेक का, वो आपको यहाँ से निकाल देना है और यहाँ पर CPU लगाना है और ये लॉक को कर देना है। तीसरी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है, ये देखिए, ऐसा एक बकेट या चाहिए या आपको कोई तो ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें आप पानी भर सके। तो ये बकेट में हमने कम से कम 5-7 लीटर पानी भरा हुआ है, 4-5-1 लीटर होगा। और ये बकेट के अंदर हमने ये जो ई क्लीनिंग के है 1, 2, 3 और 4 पाउचेस डाले हुए हैं। इसमें डीप क्लीनिंग में हमको पाउच इसमें नहीं डालना है, CPU में नहीं डालना है, सिर्फ ये 4 पाउच जो है वो हमने इस पानी में डाल के थोड़ा सा इसको मिला दिया है। और क्या किया है कि जो ये हमारा इनपुट रहता है, जैसे मेरे पास ये अभी बूस्टर पंप मेरे घर पे लगा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से ये बाल्टी में से जो ये बकेट है उसमें से ये पानी को खींचता है, ये वाला पाइप जो ये सफ़ेद पाइप देख रहे हैं, ये खींच के बूस्टर पंप जो है वो खींच रहा है। और बूस्टर पंप का जो आउटपुट है वो जनरली हमारे प्री फिल्टर से होके डिवाइस में जाता है, लेकिन अभी हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये प्री फिल्टर में नहीं जा रहा है और ये डायरेक्टली जो इनेजिक का वाइट कलर का पाइप है जिसमें इनलेट लिखा रहता है उसमें जाता है, और वो इनेजिक के डिवाइस में आता है, CPU में से होके प्लेट्स में जाता है और वहाँ से ये ऊपर से इसमें आ जाता है। तो जो नीचे का ग्रे कलर का पाइप है उसको भी हमने पानी में यहाँ पर डुबा के रखा है। तो यहाँ से पानी जाता है, सर्कुलेट होता है बूस्टर पंप से सीधा डिवाइस में और इधर से आ जाता है। तो इसमें ई क्लीनिंग पाउच ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि प्लेट पर ये ई क्लीनिंग पाउडर जो है वो बार बार घूमता है और उसकी वजह से क्लीनिंग होता है। अब इस प्रोसेस को जो छोटा वाला अगर पंप होता है तो आपको 1 घंटे तक करना पड़ता है, जबकि हमारा ये बूस्टर पंप थोड़ा हाई कैपेसिटी का है तो हम इस प्रोसेस को करीब करीब आधा घंटा या 1.5 घंटे तक करेंगे। आप 40 मिनट पकड़ के चल सकते हैं, तो 40 मिनट तक ये पानी का रोटेशन चलता रहेगा। अब आगे क्या करना है वो बता देता हूँ। 40 मिनट के बाद क्या होगा, आप अपना ये बूस्टर पंप को यहाँ से बंद कर देंगे और ये जो बकेट है उसमें से ये ई क्लीनिंग पाउच वाला जो पाउडर वाला पानी है उसको निकाल देंगे और सादा पानी मतलब जो घर का टैप वाटर है उसको भरेंगे और इसी प्रोसेस को 5 मिनट दोहराएंगे। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि कनेक्ट करके 5 मिनट पानी बहा दो, तो बहा देने से पानी वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा अगर हम 4-5 लीटर पानी इसमें भर के अगर इसको ही रोटेट करेंगे क्लीन वाटर को 5 मिनट के लिए, तो हमारा क्लीनिंग पाउडर अगर कहीं पर होगा तो वो निकल जाएगा और मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वो पानी को चेंज करके फिर से 4-5 लीटर पानी इसमें भरूंगा और फिर से उसको 5 मिनट क्लीन कर लूँगा। तो पहला राउंड होगा ई क्लीनिंग का जो हमारा 35-40 मिनट चलेगा, उसके बाद 5 मिनट हम सादे पानी से करेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट सादे पानी से करेंगे और ये प्रोसेस जो रोटेशन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो ये CPU निकाल के हमारा फिर से जो प्री फिल्टर है उसको लगा देंगे और ये कैप लगा देंगे जो हमारा यहाँ पर मौजूद है वो कैप लगा देंगे और फिर प्लग लगा के हमारा पानी शुरू हो जाएगा और ये पाइप एज इट इज़ वापस हमारे यहाँ पे इनलेट में लग जाएगा, ये जो पाइप है वो प्री फिल्टर में लग जाएगा और प्री फिल्टर का जो आउटपुट है वहाँ पर ये इनेजिक का डिवाइस लग जाएगा। तो इतना सिंपल सा ये डीप क्लीनिंग है। फिर से एक बार समरी बता देता हूँ, प्लग को निकाल देना है, प्री फिल्टर को निकाल के CPU लगाना है, 4 से 5 लीटर का एक बकेट में पानी लेना है, 3 से 4 ये पाउचेस डाल देने हैं, 4 पाउच डालने हैं ई क्लीनिंग के और पानी को ऐसा 35 से 40 मिनट तक ये सब में ऐसा रोटेशन होने देना है और वो हो जाने के बाद 5 मिनट सादा पानी, फिर वापस 5 मिनट सादा पानी और आपका डीप क्लीनिंग हो जाएगा। इनेजिक कंपनी रेकमेंड करती है कि ये एवरी 6 मंथ करना चाहिए। अगर आपका पानी का क्वालिटी अच्छा है तो आप एवरी 6 मंथ, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। और ई क्लीनिंग जो है वो एवरी 15 दिन में करना होता है, और लेकिन प्रैक्टिकली लोग एवरी मंथ करते हैं। तो क्लीनिंग करते रहिए, डिवाइस को जितना क्लीन रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हमारे बेस्ट कैंगन वाटर का बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।